सब्सक्राइब कीजिए लेट्स लर्न चैनल को, बेल दबाइए और पाइए लेटेस्ट वीडियोस ऑन रीजनिंग एंड जीके। प्लीज शेयर इट। दोस्तों, मैं हूं जेपाल भाकर। आज आपको मैं यहां पर राजस्थान जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, पर उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक, भील ग्रासिया जनजाति में दापा प्रथा का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में ली गई धनराशि दापा प्रथा कहलाती है। मौताना प्रथा से क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने पर मरने वाले स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। दोस्तों, ये आदिवासियों में प्रथा होती है कि जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है संदिग्ध स्थिति में, या जैसे मान लो किसी को उसने मार दिया या किसी कारणवश कहीं पे मर गया, वो जवान है वहाँ पे उस स्थिति में, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी आदिवासी है दूसरे जहाँ पर वो मरता है वहाँ पे क्या चले जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर चले जाते हैं उस पे घर पे, और जो भी वो मालिक होता है उस वहाँ का या जिस कारण से भी वो मृत्यु हुई है उसके, वो क्या करते हैं उसको घेर के बैठ जाते हैं। तो जो घेर के बैठते हैं सारे ग्रामीण, उसको जो मांग रखते हैं उसको कहते हैं सर चढ़ावा करना, और जो उससे वो धनराशि लेते हैं उसको कहते हैं मोताना। तो ये है आदिवासियों में प्रथा, हालांकि इसको मिटाने के लिए अभी प्रयास चल रहे हैं। प्रश्न संख्या तीन, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया का अर्थ आदिवासियों के मध्य वर और वधु पक्ष के बीच में जो विवाह के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला होता है, जो बिचौलिया होता है, उसको कहते हैं बड़ालिया। क्वेश्चन नंबर चार, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी जो सीताबाड़ी है इसको कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सीताबाड़ी 12 जिले में है और इसको सहरिया जाति का कुंभ कहते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी। जैसे यहाँ पे पिंडारी नाम आया है आपको कुछ याद आया होगा कि अगर आपने बाहुबली 2 देखी है तो उसमें पिंडारियों का कुछ वर्णन किया गया था, जैसा वहां पे लूट का बताया गया था यहाँ पर भी वैसा ही है, पिंडारी लूट के लिए जाने जाते थे। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की प्रथम मुस्लिम रियासत कौन थी या एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, उसका नाम था टोंक, और उसका संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। प्रश्न संख्या 6, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बातारी फुलवारी के रचयिता विजयदान देथा थे। दोस्तों, विजयदान देथा की मृत्यु हो गई है, इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में, नवंबर 2013 में हुई थी इनकी। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था बातारी फुलवारी के 10वें भाग को, और ये राजस्थान की प्रथम कृति थी जिसको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, वो आप ये नोट कर लीजिए, बातारी फुलवारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 7, किस शास्त्रीय संगीत की नृत्य की उत्पत्ति का राजस्थान से संबंध है? इसका है कथक। कथक जयपुर घराने से है। दोस्तों, इसके अलावा अभी एक करंट जीके का भी एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, सईदुद्दीन दागर जो अलवर जिले के थे उनका निधन हुआ है 31 जुलाई 2017 को। सईदुद्दीन दागर ध्रुपद गायन से रखते थे, ये ध्रुपद गायक थे, तो इनका अभी निधन हो गया है 31 जुलाई 2017 को। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं कि सईदुद्दीन डागर कहाँ से थे, ये अलवर जिले से थे। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मकराना में मिलने वाला संगमर किस किस्म का है? मकराना में मिलने वाला संगमर कैल्साइट का है। यह अच्छा क्वेश्चन है कि मकराना में जो विश्व प्रसिद्ध संगमर है जिसे ताजमहल भी बनाया गया है वो किस किस्म का है? ये साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है एक तरह से, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, इसका नाम कैल्साइट है। वीर विनोद पुस्तक के कौन रचयिता थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में ये लगभग आता है।
वीर विनोद के रचयिता थे श्यामल दास। 10 नंबर प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की विशेषता है? दोस्तों जहां पर भी ऊंट का वर्णन आ जाता है, ऊंट के बारे में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, आप बिना कुछ सोचे समझे बीकानेर कर दीजिएगा, चाहे वो अनुसंधान के अंदर हो, चाहे कोई जो दूसरा हो, वो सारे ऊंट से रिलेटेड हो, वो सारे बीकानेर होते हैं। जोहड़ भी बीकानेर में है उनका अनुसंधान के अंदर। इसी प्रकार ये वास्तव में है क्या, ऊंट की खाल पे जो चित्रांकन करते हैं उसको उस्ता कला कहते हैं, और ये उस्ता कला आई थी राय सिंह और करण सिंह के समय, जो कि मुगल दरबार में अपनी सेवा देते थे, तो वहाँ से उन्होंने कुछ वहाँ के कलाकारों को लाए और वो कलाकार उस्ता कला के माहिर थे, वो ऊँटों के ऊपर खाल के ऊपर करते थे। तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता तो बहुत सारे होते हैं, पर राजस्थान के 5 पंचवीर हैं, उनके मैं यहाँ नाम बता रहा हूँ, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, मियाँ जी और गोगा जी। ये 5 पंचवीर हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा। दोस्तों लोक देवता पर एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो मैं यहाँ थोड़ा इनको डिटेल से बता देता हूँ। यदि आप इनकी डिटेल किसी नोटबुक में नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं रामदेव जी के बारे में बताता हूँ। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी थी। इसके अलावा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह वो था पगले। रामदेव जी के भक्त हैं उनको रीखिया कहते हैं। रामदेव जी के गुरु थे बालनाथ, और रामदेव जी की प्रार्थना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कि कामर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य के लिए मांगी बाई उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाने वाला लोक गायन सर्वाधिक लंबा है। आपको जब भी पूछ लिया जाए किस देवता की प्रार्थना में किया जाने वाला लोक गायन सबसे लंबा है, तो वहाँ आंसर होगा आपका रामदेव जी। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की प्रार्थना में किया जाता है? रामदेव जी। किस के द्वारा किया जाता है? कामर समुदाय की महिलाओं द्वारा। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं, मुस्लिम लोग इसे रामसा पीर भी कहते हैं। जो रुणीचा में जो मेला लगता है वो सांप्रदायिकता के हिसाब से सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ये अजमेर की दरगाह वाला के बाद में। अब दोस्तों मैं अगले जो मेरे पंचपीर है उनमें गोगाजी है, गोगाजी के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ तथ्य। तो गोगाजी को जहार पीर कहा जाता है, और ये जहार पीर की पदवी इनको दी थी महमूद गजवनी ने। ये एकमात्र ऐसे मुस्लिम देवता थे जो महमूद गजनवी से लड़े थे, तो महमूद गजनवी ने इसको कहा जहार पीर। ये एक क्वेश्चन है, बहुत हर एग्जाम में आ जाता है, हमें ध्यान भी नहीं रहता है। गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया था? गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा जी का जो मेला है वो पशु मेला सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलता है, और गोगा जी की जो लोकता गाई जाती है उसमें डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मेरे अगले लोक देवताओं में आते हैं बाबूजी। बाबूजी के बारे में कुछ 2-3 तथ्य बता देता हूँ। बाबूजी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। जब भी कोई ऊँट बीमार होता है तो रायका या रेबारी जाति के लोग बाबूजी की पूजा करते हैं, इसी कारण लोग इनको मानते हैं। इसके अलावा बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। इसके बाद में आप हड़बूजी के बारे में देख लीजिए। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और हड़बूजी का मंदिर है वो बेंगटी में है, और इनका प्रतीक चिन्ह गाड़ी है, तो इसके लिए गाड़ी की इनकी पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि गाड़ी की पूजा किस लोक देवता के लिए की जाती है, तो वो होगा हड़बूजी। अगले एक पंचपीर बच्चे हैं उनमें है मियाजी। मियाजी मांगलियों के इष्ट देव हैं। जी हाँ, मांगलियों जो जाति होती है उसके इष्ट देव हैं ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन कौन है? दोस्तों मैन के ऊपर एक ना एक कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पे पूछा राजस्थान का मंकी मैन, राजस्थान का मंकी मैन है जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड क्या है कि एक बहुरूपी है जिन्होंने विश्व में भी जाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया है, इस कारण से इनको मंकी मैन की पदवी मिल गई।
ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे वाटरमैन कौन है राजस्थान के, तो वो है राजेंद्र सिंह। इसी प्रकार से आप एक दो और वाटरमैन जो भी है वो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे केमल मैन भी है। क्वेश्चन नंबर 13, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? दोस्तों सागरमल गोपा पे एक बार एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। सागरमल गोपा ने तीन पुस्तकें लिखी थी, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में तो नहीं पर पूछ लेते हैं लगभग एग्जाम में। तो जो इन्होंने पुस्तकों के नाम लिखे थे वे थे जैसलमेर राज्य का गुंडा राज, एक नंबर पुस्तक थी इनकी जैसलमेर राज्य का गुंडा राज, दो नंबर थी आजादी के दीवाने, और तीन नंबर पुस्तक लिखी थी उन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दोस्तों सागरमल गोपा को दूसरा एक कारण भी है, इसलिए भी लोग याद रखते हैं या जीके में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से क्रांतिकारी थे जिनको जेल के अंदर मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था, तो उसका नाम भी आएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था, और फिर वहां पे कहा गया था कि सागरमल गोपा ने वो जो इनके ऊपर यातना की गई थी उनसे डरकर आत्महत्या कर ली, यानी इनकी जो मृत्यु की गई थी उसको आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। इस प्रकार से सागरमल गोपाल से संबंधित आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं कौन कौन सी है? सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी, जिसमें जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है, नई दिल्ली में है और वाराणसी में है। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा, लगभग हर तीसरे चौथे एग्जाम में ये आता है। 15 नंबर है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जयपुर शहर को गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। गुलाबी क्या, वैसे तो गेरुआ कलर किया गया था, पर यूं देखने से ये गुलाबी जैसा लगा, तो उस समय इनको गुलाबी नगरी कहने लग गए। तो ये क्यों किया गया था, इसका कारण बता देता हूं मैं आपको। 1876 में वेल्स के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स रानी विक्टोरिया के साथ जयपुर में आए थे, तो उनको अच्छा दिखाने के लिए राम सिंह द्वितीय ने क्या किया कि पूरे जयपुर शहर को गेरुए कलर से बदला करवा दिया, इस कारण से ये गुलाबी नगरी से प्रसिद्ध हो गया। वैसे भी जयपुर की अधिकतर जो इमारतें हैं वो आप देखोगे तो गेरुए कलर या गुलाबी कलर के जो भी है उससे बनाई हुई है, तो इस कारण से इसको गुलाबी नगरी कहते हैं। दोस्तों ये मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, कैसा भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसके ऊपर और वीडियो बना सकूं।